आइए हम लोग जो है केमिकल बैलेंस का जो है इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो हाउ टू वे फ्रॉम केमिकल बैलेंस, देखिए ये हमारा केमिकल बैलेंस है। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये चारों ओर शीशे से कवर्ड है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये जो हम वे करेंगे उस पर हवा का जो है बहुत जरूरी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको जो है शीशे से कवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें नीचे जो है ये देख रहे हैं लेबलिंग स्क्रू है, ये लेबलिंग स्क्रू है। इससे क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस बैलेंस को हम लेबल करते हैं। लेबल करने की सहायता से ये प्लेन सरफेस पे ही रहता है और इसमें एक प्लम लाइन रहती है, देख रहे हैं ये बना हुआ है प्लम लाइन, इसकी सहायता से हम इसको लेबलिंग करते हैं। बिल्कुल ये लेबल में आ जाना चाहिए, ठीक है। इस पर देख रहे हैं कि ये हम स्क्रू की सहायता से बिल्कुल हमने जो है इसको लेबलिंग को सेट कर दिया है। तो इससे जो है हमारा जो बैलेंस है वो तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन पे बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस लेबलिंग ये स्क्रू लेबलिंग की सहायता से जो है हम इसको सेट करते हैं। ये हमारा जो है लीवर की है, इसकी सहायता से जो हम वे करेंगे तो इसको जब हम राइट हैंड ड्राइव में घुमाएंगे तो ये हमारा पैन जो है ऊपर हो जाएगा और हम इसका वे ले लेंगे। इस तरह ये रोक दिया हमने, तो इस तरह जो है ये आपका लीवर की हो गया और ये लेबलिंग स्क्रू। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका लेबल पे हम प्लेन सरफेस पे इसको लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग करने के लिए हमने बता ही दिया। इसके बाद जो इसमें देखिए दो डोर होता है, एक राइट डोर है और एक लेफ्ट डोर है, देख रहे हैं। इन्हीं दो डोरों का इस्तेमाल हम करते हैं। एक साइड में हम वे ट्यूब रखेंगे जिसमें हमें जो साल्ट या केमिकल वे करना रहेगा, और दूसरी साइड में जो है हम वे वेट्स रखेंगे, ठीक है। तो इसके जो है और इसके साथ साथ जो है इसके लिए हम आपको डिटेल से और आगे से बताएंगे। तो ये जो है इसमें देख रहे हैं आप, ये दोनों डोर है, इसी की सहायता से हम इसमें साल्ट वगैरह रखेंगे। ये पैन है, देख रहे हैं ये पैन है, ये पैन इस पर जो है देख रहे हैं ये राइट पैन है, और इसी तरह एक पैन और है, ये लेफ्ट पैन है। उसके बाद ये बैलेंसिंग स्क्रू है, देख रहे हैं ये बैलेंसिंग स्क्रू है, ये बीम है, ये बीम है, बीम में ये सेंटर पॉइंट पे ज़ीरो है, उसके 1 2 3 4 5 6 इधर भी 1 2 3 4 5 6 बने हुए हैं। इसी के ऊपर हम लोग राइडर रखते हैं, ठीक है। अगर राइडर जो है 10 पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 मिलीग्राम, इसी तरह अगर 1 पर रखेंगे 1 मिलीग्राम, 2 पर रखेंगे 2 मिलीग्राम, 3 पर इसी तरह इतने मिलीग्राम होता जाएगा, ठीक है। और इन्हीं 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम के बीच में आपके 5 खाने बने हुए हैं, इन जो भी खाने में रखेंगे तो उसके बाद उसका जो है हर खाने का मान जो है 0.0002 मिलीग्राम है, ठीक है। उसको हम अभी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इसमें एक खाने का मान होता है 0.0002 मिलीग्राम, और ये देख रहे हैं ये जो है आपका बैलेंसिंग स्क्रू हो गया, और ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, और ये पिलर है, देख रहे हैं ये पिलर है, ये पिलर है, इसके आगे जो पॉइंटर लगा हुआ है, और बहुत ही इसको कायदे से हैंडल करना पड़ता है। ये पॉइंटर जो है इस पर एक स्केल बनी हुई है, आपको दिखाई पड़ेगा, ये स्केल है, ये स्केल है, स्केल पर ये पॉइंटर जो है चलता है, और इसी पॉइंटर की सहायता से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस बैलेंस को हम सेट करते हैं। जब देखेंगे कि हम इसको अभी लीवर के द्वारा जो है अभी हम इसको सेट करते हैं, लीवर के द्वारा हम इस बैलेंस को हम ऊपर उठाएंगे। देखिए ये अब ये पॉइंटर हमारा जो है स्केल के ऊपर, देख रहे हैं ये सेंटर पॉइंट जीरो जीरो के बीच के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ओर जा रहा है, देख रहे हैं ये। तो हमको ये देखना है कि ये जीरो के राइट हैंड जितना जा रहा है उतना लेफ्ट हैंड भी जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 5 खाने इधर जा रहा है राइट की तरफ, तो 5 खाने लेफ्ट की तरफ भी जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा जा रहा है, मान लीजिए राइट हैंड साइड में ज़्यादा जा रहा है, तो इसके मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का वेट ज़्यादा है। तो ये बैलेंसिंग स्क्रू जो है हमारे पास, ये बैलेंसिंग स्क्रू है, ये और उस साइड में बैलेंसिंग स्क्रू, इसी की सहायता से क्या करते हैं हम इसको सेट करते हैं। मान लीजिए सपोज ये आपका इधर जा रहा है और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये कम गया है, तो इसके मतलब कि इधर का वेट जो है ज़्यादा है, इसके मतलब कि बैलेंसिंग स्क्रू से हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए हम ये वाले स्क्रू को जब हम आगे की ओर घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे इसका, क्योंकि जैसे जैसे स्क्रू पीछे जाएगा वेट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे स्क्रू आगे आएगा वैसे वैसे वेट कम होता जाएगा। अब इसको जैसे अब आप फिर देखिए करके देखेंगे,
देख रही है, और ये अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये अब हमने जो है इसको लीवर की सहायता से इसको ऊपर उठाया, देख रहे हैं ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है पैन। अब ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंटर है अब ये मिडिल पॉइंट के दोनों ओर जा रहा है, राइट हैंड साइड भी जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी जा रहा है, देख रहे हैं ये, तो ये दोनों साइड में बराबर जाना चाहिए, जितना राइट हैंड साइड में जाए ये लीवर पॉइंटर और उतना ही ये पॉइंटर लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए। अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में ज़्यादा जा रहा है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से इसको ये स्क्रू नॉब है, स्क्रू नॉब की सहायता से हम इसको सेट करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा जा रहा है तो राइट हैंड स्क्रू से हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है मिडिल पॉइंट के दोनों ओर लगभग बराबर जा रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, ये पॉइंटर जो है स्केल पर जो है मिडिल पॉइंट जो है उसके दोनों ओर लगभग बराबर जा रहा है, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। इसको हम लोग जो है बैलेंसिंग स्क्रू से एडजस्ट करते हैं, अगर राइट साइड में ज़्यादा जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड के स्क्रू से सेट करेंगे, और अगर राइट हैंड में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड के, और अगर लेफ्ट हैंड में जा रहा है तो राइट हैंड के स्क्रू से हम इसको सेट करते हैं, ठीक है ये। तो इस तरह हम इसको सेट कर लेते हैं सबसे पहले, और सेट करने के बाद फिर हम वे करते हैं। देखिए ये वेट बॉक्स है, ठीक है, ये वेट बॉक्स में वेट्स रखे हुए हैं, देख रहे हैं ये वेट्स रखे हैं, ये वेट्स हैं, और ये देखिए ये 100 ग्राम का है, ये 50 ग्राम का है, इसी तरह ये 20 ग्राम के हैं, 20 ग्राम के हैं, और इसी तरह जो है ये आपका 20 ग्राम का है, और ये उसके बाद ये 10 ग्राम का है, और ये आपका 5 ग्राम का है, ये 2 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, ये 1 ग्राम का है, ठीक है। तो ये सारे वेट्स हैं, इन्हीं वेट्स की सहायता से हम वे करेंगे। ये हमारी जो है चिमटी है, देख रहे ना ये चिमटी भी है, और इस तरह जो है ये हमारा वेट बॉक्स है, इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमारे पास एक फ्रैक्शनल वेट बॉक्स भी है, देख रहे हैं ये फ्रैक्शनल वेट बॉक्स भी है, इसमें मिलीग्राम्स के वेट्स होते हैं, देख रहे ना इसमें मिलीग्राम्स के वेट्स हैं, ये मिलीग्राम्स के वेट दिखाई पड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं ये मिलीग्राम्स के वेट्स हैं। ये देखिए जो है आपका ये राइडर है, देख रहे हैं ये राइडर है, इसके साथ साथ ये आपके जो है 500 मिलीग्राम का वेट है, इसी तरह ये जो है आपका 200 मिलीग्राम का वेट है, ठीक है ये 200 मिलीग्राम के, इसी तरह ये आपके 50 मिलीग्राम का है, इसके बाद ये 20 मिलीग्राम का है, ठीक है ये आपका जो है ये जो है ये 100 मिलीग्राम का है, ठीक है, और ये आपका जो है 200 मिलीग्राम का है, इसी तरह जो है ये 20 मिलीग्राम का है। तो इससे अलग अलग मिलीग्राम्स के सारे वेट्स जो हैं ये फ्रैक्शनल वेट बॉक्स में रहते हैं, ठीक है ये जो है इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे वेट्स हो गए, तो एक हो गया ग्राम्स के वेट्स वेट बॉक्स होता है, और ये फ्रैक्शनल वेट बॉक्स, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम जो है वे करते हैं जो भी साल्ट हमें वे करना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग जो है हमारा बैलेंस जो है लगभग सेट हो चुका है। ये देखिए लीवर से जो है ये लीवर की से हमने बैलेंस को उठाया, और ये इसका जो पॉइंटर है लेफ्ट साइड और राइट साइड लगभग बराबर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है ये बैलेंस सेट हो चुका है। अब हम क्या करने हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारे पास वेइंग ट्यूब है, देख रहे ना ये वेइंग ट्यूब है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वेइंग ट्यूब का वेट निकालेंगे, एम्प्टी ऑफ वेइंग ट्यूब, ठीक है, वेट ऑफ एम्प्टी वेइंग ट्यूब का जो है इसका हम वेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसके लिए जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये हमारा जो है लेफ्ट डोर है, लेफ्ट डोर खोलेंगे और पैन पे इसको रख देंगे, देख रहे हैं ये हमने पैन पे रख दिया वेइंग ट्यूब, और इसको रोक लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे साइड में इसको हम बंद कर देंगे ये डोर, उसके बाद राइट हैंड साइड वाला डोर खोलेंगे, खोलने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे
5 ग्राम का वेट जो है हम उठाएंगे। ये हमने 5 ग्राम का वेट उठाया, ठीक है। ये जो है ये हमने 5 ग्राम का वेट उठाया और इस वेट को जो है इस साइड में हमने रख दिया। तो 5 ग्राम का वेट रखने के बाद अब हम ये जो है लीवर की सहायता से इसको हम ऊपर उठाएंगे और देखेंगे कि हमारा पॉइंटर किस साइड में जा रहा है। पॉइंटर जो हमारा राइट साइड में गया, इसके मतलब कि वेइंग ट्यूब का जो वेट ज़्यादा है। अब इसको हमने डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद अब हम वेट और बढ़ाएंगे। अब हमने जो है एक वेट और बढ़ाया। अब हमने 1 ग्राम जो है ये 1 ग्राम का वेट जो है हमने बढ़ा दिया इसमें, ये हमने रख दिया। उसके बाद फिर हम जो है लीवर को राइट हैंड साइड में घुमाएंगे तो देखेंगे कि अब हमारे पास देख रहे हैं कि वेट ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया और वेइंग ट्यूब का वेट कम होगा क्योंकि हमारा पॉइंटर जो है लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो हमने फिर इसको डाउन किया। डाउन करने के बाद हमने ये 1 ग्राम, मतलब कि अब ये ग्राम का वेट की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें मिलीग्राम के वेट की ज़रूरत होगी। तो हम अब फ्रैक्शनल वेट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास फ्रैक्शनल वेट बॉक्स है, ठीक है। इसमें अब मिलीग्राम के वेट्स दिए हुए हैं, देख रहे हैं ये मिलीग्राम के वेट्स दिए हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये मिलीग्राम के वेट्स को रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 मिलीग्राम के वेट को रखते हैं जो कि 1 ग्राम से कम है। ये 500 मिलीग्राम का वेट है, ठीक है। ये 500 मिलीग्राम का वेट है, इसको जो है अब रखेंगे इसमें पैन पे। और ये हमने 500 मिलीग्राम का वेट रखा। रखने के बाद फिर हम जो है लीवर को राइट हैंड साइड में घुमाएंगे। इसके मतलब कि वेइंग ट्यूब का वेट 500 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो हम इसमें जो है फिर जो है मिलीग्राम के वेट को बढ़ाएंगे। अब हमने जो है 200 मिलीग्राम का वेट उठाया और इसको 200 ग्राम का वेट इसमें रखा। और फिर इसको बाद लीवर को हम राइट हैंड साइड में घुमा के देखेंगे, अब भी ज़्यादा है, इसके मतलब कि हमें वेट और बढ़ाना है, ठीक है। अब हमने जो है आपका ये जो है 50 मिलीग्राम का वेट है, 50 मिलीग्राम का वेट रखा हमने, ये 50 मिलीग्राम है। उसके बाद फिर लीवर को हम, इसके मतलब कि ये वेट ज़्यादा हो गया है, इसके मतलब 50 मिलीग्राम से हमें कम रखना है, ठीक है। तो हमने 50 मिलीग्राम का वेट हटा दिया। हटाने के बाद इसमें जो है 20 मिलीग्राम का वेट रख के देखते हैं। ये हमने 20 मिलीग्राम का वेट उठाया और इसमें रखा। और रखने के बाद फिर हमने जो है लीवर को हम राइट हैंड साइड में घुमाएंगे तो देख रहे हैं कि अब लगभग थोड़ा सा ये ज़्यादा है, ठीक है। इसके मतलब ये राइट हैंड साइड में पॉइंटर जा रहा है, इसके मतलब हम जो है अब राइडर का इस्तेमाल करेंगे। ये राइडर है हमारे पास, देख रहे हैं ये राइडर है, ये राइडर है, ये तार का घुमा हुआ है। इसको जो है हम ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम राइडर को लगा देखते हैं, क्योंकि राइडर का जो वेट है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग राइडर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम लोग जो है राइडर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है एक रॉड है, ये इसको राइडर कैरियर भी बोलते हैं। और देख रहे हैं ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसी पे हम राइडर को लगाते हैं। और ये हमने जो है, ये देखिए राइडर को जो है इस पे हमने इस पे लगा दिया राइडर को, ठीक है। और ये देखिए अब ये जो है बीम है, बीम में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है बीच में मिडिल पे ये ज़ीरो लिखा हुआ है, ये ज़ीरो है। और इसके बाद 1 2 3 4 देख रहे हैं ये ज़ीरो है, यहाँ पर जो है इसी पर जो है हम राइडर को सेट करते हैं, ठीक है। ये अब कहाँ पे ये राइडर रखेंगे इसको, इसमें जो है हम वेट्स बढ़ाएंगे। सीधे सीधे हमने 20 ग्राम जो है वेट और बढ़ाया, ठीक है।
वेट बढ़ा के देखते हैं, लगभग आ गया है, ये देख रहे हैं। राइडर का इस्तेमाल हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमने सीधे 20 ग्राम वेट बढ़ा दिया है और लगभग ये देख रहे हैं कि पॉइंटर जो है हमारा मिडिल पॉइंट के दोनों बराबर जा रहा है, तो इसमें हमें राइडर की जो है आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए तो ये ज़्यादा जा रहा है, ज़रा सा ये पॉइंट है, तो राइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइडर को हम एक पर रख देते हैं, ये राइडर को हमने जो है ये जो है एक पे जो है लगभग 1.2 तो हमने सेट कर दिया है। ये आपको दिखा देते हैं, देखिए ये राइडर जो है, देख रहे हैं ये राइडर जो है रखा हुआ है लगभग 1.1 के बाद 2 खाने पे रखा हुआ है राइडर, और इसको हम जो है लीवर को फिर राइट हैंड साइड में करेंगे और देखेंगे कि पॉइंटर पोजीशन, पॉइंटर मिडिल पॉइंट के दोनों बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये लगभग बराबर जा रहा है, देख रहे हैं ये मिडिल पॉइंट के दोनों ओर लगभग बराबर जा रहा है। तो इस तरह हमने जो है अब क्या करेंगे कि इसको हम डाउन कर देंगे, उसके बाद अब हमारा ये जो है वेट ऑफ वेइंग ट्यूब निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, ग्राम की वेट्स को लिख लेंगे और मिलीग्राम की वेट्स को लिख लेंगे। तो हमने कितने कितने ग्राम की वेट्स लिए हैं इसको जो है अब हम निकालेंगे। निकालने के बाद ये हमने उठाया और इसके बाद इसको एक जगह पर रख देंगे कि हमने इसमें कितने ग्राम की वेट रखी और कितने मिलीग्राम की वेट रखी। अब इसमें जो है हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, काउंट करेंगे। इसमें जो है हमने 5 ग्राम वेट का इस्तेमाल किया है, तो ग्राम में हमने सिर्फ एक ही वेट रखा है 5 ग्राम का वेट इस्तेमाल किया है, और मिलीग्राम में हमने 500 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम का लिया है। मिलीग्राम में 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और हमने लिया है 20 और 20 मिलीग्राम का लिया है, 20 मिलीग्राम का लिया है और 20 मिलीग्राम का लिया है। और राइडर की पोजीशन क्या है, 1.2, मतलब कि 1 के आगे है और 2 खाना है, तो 1.2 पोजीशन है राइडर की, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है इसको नोट कर लिया है। आइए हम लोग जो है अब चित्र के माध्यम से जो है समझते हैं। देखिए हमने एक चित्र बनाया है आपका केमिकल बैलेंस का। इसमें देखिए 2 पैन बना दिए मैंने, एक पॉइंटर है, ये स्केल है, इसी पे पॉइंटर जो है मूव करेगा, ये की लीवर है, इसी से इसी को राइट हैंड जब घुमाएंगे तो ये पॉइंटर जो है स्केल पे ये घूमने लगेगा, ठीक है। और ये बीम है, बीम पे जो है यहाँ पर देखिए किनारे किनारे पे 2 जो है बैलेंसिंग स्क्रू है, इसी से जो है इसको सेट कर देते पहले, ठीक है, हमने सेट भी किया था इसी बैलेंसिंग स्क्रू से। अच्छा, ये बीम पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट क्या है, 0 है, और सेंटर पॉइंट के दोनों ओर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक है, इसी तरह साइड में भी 0, 1, 2, 3, 4, 10 तक है, ठीक है। ये जो है राइडर है, देख रहे हैं ये राइडर है। राइडर जो है अलग अलग जो है पॉइंट्स पे अलग अलग वेट्स होंगे, अगर 1 पे होगा तो 1 ग्राम होगा, 2 पे होगा 2 ग्राम, सॉरी 1 पे होगा 1 मिलीग्राम, 2 पे 2 मिलीग्राम, 3 पे 3 मिलीग्राम, इसी से 10 पे होगा तो 10 मिलीग्राम राइडर का वेट होगा। तो राइडर का वेट कहने का मतलब है कि इसकी पोजीशन पर जो है बीम पर क्या पोजीशन है उस पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। और ये 0 से 1 के बीच में क्या आता है कि 5 जो है बॉक्स होते हैं, खाने होते हैं, और उन्हीं के ऊपर मान लीजिए कि 1 के बाद भी तो दूसरे खाने पे, तो 1.2 खाना हो जाएगा, इसी तरह मान लीजिए 2 के आगे, तो मतलब कि हर जो है मिलीग्राम के बीच में जो है 5 जो है छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तो राइडर की पोजीशन जो है इस खाने पे है, इसी से हम बीम पर कहाँ पाए उसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए वेइंग ट्यूब रखा हुआ है इस पर,
नहीं, किसी वेन ट्यूब का हमें वेट निकालना है, ये हमारे वेट्स हैं, देखिए सारे वेट्स रखे हुए हैं इस पर। तो ये हमने एक कोशिश किया कि आपको हम दिखाएं डायग्राम बना करके। तो ये था हमारा केमिकल बैलेंस। तो हमने जब वेट किया था तो आपने देखा होगा कि हमारे जो टोटल ग्राम्स के जो वेट थे, और ग्राम्स के वेट से हमारे साथ एक जो वेट चल रहा था वो था 5 ग्राम का वेट था हमारा, ठीक है, 5 ग्राम का वेट था, उसको हमने नोट कर लिया। मान लीजिए ज़्यादा होता तो इसमें प्लस कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 1 ही ग्राम का वेट था हमारा चढ़ा हुआ था, तो हमने 5 से नोट कर लिया। मिलीग्राम्स के वेट टोटल वेट 100 मिलीग्राम्स, मिलीग्राम्स के हमारे ज़्यादा वेट्स थे, एक 500 मिलीग्राम का था तो 0.500 हो जाएगा ग्राम। इसी तरह 200 मिलीग्राम का था तो 0.200 हो जाएगा। इसी तरह 20 मिलीग्राम का था तो हो जाएगा 0.020 ग्राम। इसी तरह दो हमारे पास जो 20 मिलीग्राम के थे तो ये होगा 0.020 मिलीग्राम, तो ग्राम। इस तरह के इसको हमने टोटल सारे मिलीग्राम से इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद इसको हमने जोड़ लिया, जोड़ेंगे तो आएगा 0.740 ग्राम। तो इस तरह हमने मिलीग्राम के वेट को अलग जोड़ लिया और ग्राम के वेट को अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अब राइडर की पोजीशन निकालेंगे, तो टोटल वेट फ्रॉम राइडर, राइडर की पोजीशन क्या थी हमारी, 1 के आगे था, मतलब कि 1 के आगे दूसरे खाने में था, इसके मतलब उसमें कितने खाने हो गए, 0 से 1 के बीच में 5 खाने हैं, और 0 से 1 के बीच में 5 खाने, और 5 के आगे 2 खाने और थे, कुल मिलकर कितने, 7 खाने हो गए, ठीक है, तो 7 बॉक्स हो गए। देखिए 1, तो राइडर की पोजीशन क्या थी, 1.2 पोजीशन ऑफ बीन, पोजीशन ऑफ बीन, बीन बीन पे जो है पोजीशन उसकी थी 1.2। तो अब बताया हमने कि 0 से 1 के बीच में कितने थे, 5 बॉक्स थे, और 2 बॉक्स और आगे हैं, कितना हो गया, 7 बॉक्स हो गए, ठीक है, 7 बॉक्स पर रखा हुआ है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ 1 बॉक्स की, एक खाने की, एक जो खाने की जो है मान कितना होता है, 0.0002 ग्राम, ठीक है। ये जो है एक खाने की, अगर राइडर अगर पहले खाने पे रखा है तो उसकी वैल्यू जो होगी 0.0002 ग्राम, ठीक है। अब इसको 7 से इंटू कर देंगे, तो 7 से इंटू कर दिया तो आ गया 0.0014 ग्राम। तो इस तरह ने राइडर का जो है वेट निकाल लिया राइडर पोजिशन के हिसाब से, और उसके बाद सारे वेट्स को हम योग टोटल कर देंगे। तो वेट ऑफ इंपिटिंग वेन ट्यूब, वेट ऑफ इंपिटिंग वेन ट्यूब आ गया 5 ग्राम था, ग्राम का वेट 5 मिल गया। उसके बाद मिलीग्राम्स की वेट थे, इसका टोटल आएगा 0.740 ग्राम, तो 0.740 ग्राम मिल गया। और उसके बाद वेट ऑफ राइडर का, राइडर का वेट आया था 0.0014 ग्राम, तो 0.0014 ग्राम को हमने टोटल कर लिया तो आया 5.7414 ग्राम। ये हमारा जो है वेट ऑफ वेन ट्यूब आ गया, ठीक है। अब हम समझ लेते थोड़ा राइडर के विषय में, थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहे हैं इसलिए कि देखिए इसको जो है राइडर की पोजीशन जो है हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके खाने कितना मान पर निर्भर करती है। अब जैसे मान लीजिए कि इसकी पोजीशन मान लीजिए 2 पे होती है या 3 पे होती, तो इसको मान लेते 3 में, तो 0 से 1 के बीच में कितने खाने, 5 खाने। तो अगर हम एक खाने का मान निकालेंगे तो 0 से 1 के बीच में कितना है, 1 मिलीग्राम है, तो 1 मिलीग्राम मतलब 0.001, ठीक है। 2 से 3 के बीच में कितने हैं, तो भी आपका आएगा 0.001, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके बीच में कितने खाने, 5 खाने, 5 से डिवाइड कर दिया तो एक खाने का मान निकल आएगा, तो हो जाएगा 0.0002 ग्राम। वैल्यू आप आ गई 1 खाने, एक खाने की वैल्यू आ गई 0.0002 ग्राम। सो इस तरह हमने निकाल लिया था, यही हमारी जो है आई थी, एक खाने का मान जो आया था 0.0002 ग्राम। और जो हमारी चूंकि राइटर की पोजीशन कितने पे थी, 7 पे थी, 7 खाने पे थी, 7 खाने से इसको इंटू कर दिया तो आ गया था 0.0014 ग्राम। तो इस तरह हमने जो है वेट ऑफ इंपिटी वेन ट्यूब निकाल लिया है। अब हमको मान लीजिए कोई साल्ट वे करना है, तो इस वेन ट्यूब में क्या करेंगे, हम साल्ट लेंगे, मान लीजिए हमको 1 ग्राम साल्ट लेना है, तो अब क्या करेंगे, इसमें 1 ग्राम बढ़ा देंगे, इधर 1 ग्राम बढ़ाएंगे और इसमें हम साल्ट लेंगे थोड़ा सा, लेने के बाद इसके बाद की लीवर की सहायता से पॉइंटर पे इसको घुमाएंगे, जब पॉइंटर चलेगा इस पर तो देखेंगे कि हमारा जो पॉइंटर दोनों तरफ बराबर जाना चाहिए। मान लीजिए सपोज पॉइंटर हमारा इधर का ज़्यादा जा रहा है, इधर कम जा रहा है, तो इसके मतलब कि 60 इसमें ज़्यादा है, तो 60 को हम क्या करेंगे, कम करेंगे,
कम करेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो फिर देखेंगे मान लीजिए कि जो हमारा धीरे धीरे और कम ज़्यादा है, बीच इधर ज़्यादा जा रहा है, साल्ट और कम करेंगे। तो इस तरह हम साल्ट को बार बार कम करते जाएंगे और बीच बीच में इसको चेक करते जाएंगे। और जब हमारा ये पॉइंटर जो है स्केल पर बराबर जाने लगे कि जितना इधर जा रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड उतना लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, समझ लीजिएगा कि ये साल्ट हमारा एक ग्राम हमने साल्ट वे कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको साल्ट को भी वे कर सकते हैं। तो मेन था हमारा कि इसको कैसे हम तो साल्ट को जो वे करना है, तो वे का बैंक क्यूब निकाल लिया, इस तरह हम साल्ट को वे करेंगे। तो इसका जो है हमें यूज़ करना समझ में आ गया। तो हमने आज जो है केमिकल बैलेंस को कैसे हम यूज़ करते हैं इसको हमने सीखा है, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।